हमारी माताजी पिताजी पिताजी पूजनीय पिताजी श्री द्वारका प्रसाद शर्मा जी, पूजनीय माताजी श्रीमती शांति देवी, उनकी पुण्य स्मृति में हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते थे। तो हमने सोचा पक्षीघर से अच्छा और कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है तो पक्षीघर ही बनवा दें। उसके अलावा एक और उद्देश्य था पर्यावरण का संतुलन, पक्षियों से पर्यावरण का संतुलन होता है, पर्यावरण की अच्छी पहल होती है पर्यावरण के संतुलन में। पक्षी जितने पक्षी होंगे वहाँ का पर्यावरण उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा समाज से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही पर्यावरण के स्वच्छ साफ रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पक्षी रख, मान के पक्षीघर नहीं बनवा सकते हैं तो पक्षियों के लिए घर में जगह दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पक्षियों की देखभाल हमने नहीं की तो पर्यावरण की बहुत बड़ी भूल हो जाएगी और संतुलन बिगड़ जाएगा। लगभग कितनी मंजिल का और कितनी लागत लगी होगी? इस में 7 मंजिल है और 7 मंजिलों में 512 फ्लैट हैं और इसमें 6 लाख रुपए का ठेका था, 65,000 रुपए उसका किराया आया सामान का जो है, इसके अलावा 40,000 रुपए करीब जो है चबूतरे को लगे, 7 लाख करीब खर्च हुआ इस पर। ये बनाया है हमारे अपनी माता पिता के पुण्य स्मृति में और ये पक्षियों के पर्यावरण के लिए। कितना टाइम हो गया लगभग बना हुए? अरे हो गई 3 साल। कितना मंजिल का टावर है ये? करीब 7 मंजिल है। और किस जगह पर बनाया है टावर? ये गांव दुमेड़ी में, इगलास से गोरी मार्ग पर गांव दुमेड़ी। कितनी लागत लगी होगी इसमें? लागत इसमें करीब 6 लाख रुपए और कुछ भाड़ा वाड़ा मिला के करीब 7 लाख रुपए टोटल लगा। एक बाग था हमारा पहले, तो वो बाग कट गया तो वो पक्षी वो बाग में रहते थे, हमने विचार किया ये बाग में पक्षी रहते थे अब कहाँ रहेंगे, उसलिए हमने ये बनाया ये पक्षी इसमें रहेंगे।